Hey guys, welcome back to my new blog. तो guys, आज दिन है सैटरडे और अभी हम आए हैं गंगा नहाने, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है इसीलिए थोड़ा गंगा नहाने आए हैं। और ये देखिए गंगा माँ, और इधर आसपास का व्यू, वो रहा सिंगी दलान, वो साइड है, ये साइड छठ माँ का मंदिर भी है, भोलेनाथ का मंदिर भी है, वो साइड बजरंगबली का मंदिर है, वो है पानी टंकी, तो यहीं से पानी जाता है, वो टंकी दिख रहा होगा आपको, ये पेड़ के चलते नहीं दिख रहा है, तो वही पीछे एक टंकी है बड़ा सा, वहीं पे जाता है, यहाँ से पानी जाता है वहाँ, फिर वहाँ से सप्लाई होता है पूरा राजमहल में। तो गाइस अभी आए हुए हैं सब्जी मार्केट, यहाँ राजमहल का सब्जी मार्केट, अभी गंगा नहाएंगे हम, ये है सब्जी मार्केट। पगनी दुर्गा के स्थान में आए हैं पूजा करने के लिए, तो अभी पूजा हो रही है, तो बस हम लोगों की होगी पूजा, पगनी माता दुर्गा। तो गाइस अभी शाम के 5 बजे हैं, अभी इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं इधर रोड साइड, और अभी मैच देख रहे थे इंडिया और बांग्लादेश का, देखिए जैसे जैसे विकेट गिर रहा था मूड ख़राब हो गया, छोड़ दिए देखना। अभी इधर आ गए हैं घूमने के लिए, इधर हम लोगों का गांव का व्यू है, इधर साइड अभी सनसेट हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, इधर का व्यू आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं। लग रहा है एक बल्ब है इस तरह दिख रहा है अभी सूर्य भगवान। तो गाइस अभी आए हुए हैं पहाड़ यहाँ घूमने के लिए, मंदिर भी है वो जो दिख रहा है वहाँ पे, वो माँ पार्वती का मंदिर है, ये बजरंगबली का मंदिर, और हमारे वहाँ बैठे हैं, वह देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, वो जो दिख रहा है हमारे पीछे, वहीं से हम पढ़े थे, ये हाई स्कूल है, वो साइड मिडिल स्कूल है, और कॉलेज भी है, अभी तो कॉलेज तत्काल बंद है, आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं। और ये रहा हमारा हाई स्कूल है, ये वो साइड मिडिल स्कूल है, और हाई स्कूल के जस्ट साइड में ही कॉलेज है। गाइस ये रहा हमारा मंदिर भोलेनाथ का, गाइस और गाइस यहाँ से देखिए व्यू, और इधर देखिए चारों तरफ हरियाली है हम लोग के यहाँ, वो साइड अभी तो कुहरा है तो नहीं दिख रहा है, और वो साइड भी हॉस्टल है मिशन का, और वो साइड आईटीआई बना हुआ है जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, जब हम लोग याद है जब मैट्रिक दे रहे थे तभी बना है और आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। और व्यू देखिए यहाँ से, और पिकनिक भी स्टार्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पता नहीं कहाँ के हैं पिकनिक मनाने आ चुके हैं, हमारे यहाँ भी बहुत जगह से आता है पिकनिक मनाने के लिए और घूमने भी। और गाइस यही वो पत्थर है जो इस पहाड़ का पहचान दिलवाता है, ये पत्थर पूरा गोल गोल रहता है अंडाकार, और पहचान देता है इस पहाड़ का, यहाँ तो भूगर्भ शास्त्री भी आ चुके हैं जांच के लिए, शायद लाखों करोड़ों वर्ष पहले बताया जा रहा है कि यहाँ भी ज्वालामुखी था, और ये पत्थर जो बना है वही ज्वालामुखी से बना है, लेकिन कितना सत्य है वो तो अभी पता नहीं है। तो गाइस मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर अभी लिट्टी बना रहे हैं हम लोग, आग में सेक रहे हैं अभी, ये देखिए लिट्टी, और इधर सारा मटेरियल, और ये है चोखा तैयार करने वाला इधर। तो गाइस अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।